तो शुरू करता हूं मैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो कुछ इस तरह से है कि मौसम शुरू हो चुका है सर्दियों का। आज है 17th of November 2019। ठंडी ठंडी हवाएं चलने शुरू हो गई हैं। दिल्ली एनसीआर में जो पोल्यूशन का माहौल था वो जा चुका है। अगर मैं बाहर निकल के आपको दिखाऊं तो बिल्कुल क्लीन नज़ारा दिख रहा है, बिल्कुल ऊपर तक ग्रीन, आई मीन ब्लू स्काई, और तेज हवाएं चल रही है, तो मौसम ठंडा हो चुका है। और इसी ठंड मौसम में हुआ ये कि जुकाम होना शुरू हो चुका है। तो जुकाम अगर हो जाए, सर्दी जुकाम हो जाए, तो उससे दूर भगाने के लिए हम क्या करते हैं? आपको पता है कि चना एक ऐसा पदार्थ है जो सर्दियों को दूर भगाता है। वो तो चने या चने से बनी चीजें अगर हो तो वो सर्दियों में काफी काम आता है। तो मैं आज बनाने जा रहा हूं बेसन का हलवा। जी हाँ, ये है बेसन और उसमें उसे हम बनाएंगे उसका हलवा देसी घी में। ये गाय का घी है और बिल्कुल सिंपल सा, कुछ भी ऐसा हो चने से बनी वस्तुएं खानी चाहिए जिससे कि आपको जुकाम में राहत मिलता है। तो बस हम शुरू करते हैं। हमने ये कढ़ाई लगा दी है, आँच थोड़ी तेज करेगा ताकि वो गर्म हो जाए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे देसी घी, वो अच्छे खासे क्वांटिटी में होनी चाहिए। तो जो घी है, जो चना है, ये सारी चीजें आपके कफ को बढ़ाती नहीं है बल्कि उसको कम करती है। तो अब देख रहे हैं कि मैं इसमें घी डाल रहा हूं, तो ये लगभग ठीक ठाक डल चुका है। मैं इसमें थोड़ा सा अब बेसन डालूंगा और उसे भूनूंगा, थोड़ा घी भी गर्म हो जाए। और जब तक ये घी गर्म हो रहा है तब तक मैं कुछ पानी वानी का इंतजाम कर लूँ ताकि उसमें वक्त कम मिल। पानी भी ले आया, तो लगभग घी गर्म हो चुका है। मैं डालता हूँ इसमें, ज़्यादा नहीं, दो बड़े बड़े चम्मच या थोड़ा सा और ज़्यादा बेसन, और अब इसे मैं फ्राई कर लेता हूँ। थोड़ा सा बेसन और डालता हूँ मैं। इस हलवे में कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। आप बेसन को थोड़ा ब्राउन होने तक ऐसे से चला लें, फिर आप इसमें या तो पहले पानी डाल दें या तो पहले चीनी डाल दें, आपको जैसा लगे, और फिर थोड़ा और चलाएं तो आपका हलवा हो जाता है तैयार। तो इस हलवे को मैं एज ए मेडिसिन यूज करूंगा। जब ये बेसन धीरे धीरे पकता है तो एक अलग सी इसकी खुशबू आती है,
और अगर साथ में घी हो, गाय का घी हो, तो उसकी जो खुशबू आती है वो दूर दूर तक जाती है। आप देखेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा ब्राउन टिंट आना शुरू हो गया है, मतलब मैं इसमें अब कभी भी पानी डाल सकता हूँ। तो अब मैं इसमें डाल रहा हूँ पानी। आप चाहे तो पहले इसमें चीनी भी मिला सकते हैं, लेकिन मैं पहले पानी डाल रहा हूँ। पानी इतना डालें ताकि इस बेसन को पकने के लिए पूरा पानी मिल पाए, अच्छे से ये पानी में फूल जाए, घुल मिल जाए, पूरा पानी हो इसके पास पकने के लिए और घुलने मिलने के लिए। तो बस अब मैं थोड़ा फ्लेम इसका तेज कर देता हूँ और इसे इसका पानी थोड़ा सूख जाने देता हूँ। इसके बाद मैं इसमें डालूंगा चीनी। आप चाहे तो चीनी की जगह खांड या गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बेशक, क्योंकि हेल्थ के लिए डेफिनेटली गुड़ बेहतर होता है चीनी से। चीनी चूंकि काफ़ी रिफाइंड फॉर्म होता है। इसमें मैं फिलहाल कोई भी ड्राई फ्रूट भी नहीं डालूंगा। इसमें थोड़ा इस तरह से झाग आना शुरू हो जाएगा, ये बुलबुले उठेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये अच्छा है क्योंकि ये अच्छी तरह से घुल मिल जा रहा है और इसमें गांठें नहीं पड़ेंगी। तो आप पानी ज़्यादा डालिए ताकि आपको उसको घुमाने फिराने का ज़्यादा मौका मिले और इसमें गांठें ना पड़ेंगी। इस तरह से बुलबुले उठेंगे। पर आपको लग रहा होगा शायद कि इसमें मैंने इतना घी क्यों डाला। इसका रीज़न है कि जब आप इस पर्पज से बनाते हैं ताकि वो जुकाम में आपको आराम दे, तो उसमें घी थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा घी इसमें ज़्यादा डाला है। देखिए मैं लगभग इसमें 3 से 4 चम्मच ही इसमें बेसन डाला था, लेकिन क्वांटिटी इसमें काफ़ी अच्छी हो गई है, तो ये काफ़ी फैलता है। मेरे ख्याल से अगर आप 1 चम्मच डालते तो वो लगभग 4 चम्मच के बराबर हो जाता है पानी डालने के बाद, उसका जो वॉल्यूम होता है। तो इस बात का ध्यान रखें आप कि आप कितना बनाना चाहते हैं और आपको कितना बेसन डालना है। अब चूंकि मुझे थोड़ा इसे गीला भी रखना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, तो अब मैं इसमें चीनी डाल देता हूँ। चीनी खांड या गुड़ अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। तो इसे हम थोड़ा भी और पकाएंगे, चीनी भी अच्छी तरह से इसमें मिल जाए, गल जाए और मिल जाए, और आपको साथ में इसे धीरे धीरे चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे से जलना शुरू हो जाएगा।
अच्छा, मैं मज़े की बात आपको एक और बताऊं कि अगर आपको जुकाम है और हलवा बनाने का टाइम नहीं है, सुविधा नहीं है, तो जो भुने हुए चने होते हैं, सिंपली भुने हुए चने छिलके समेत, उसको आप अपनी मुट्ठी में लेके उसे सिंपली अगर आप तेज़ तेज़ सूंघेंगे भी तो गारंटीड है कि आपको इसमें काफ़ी राहत मिलेगी जुकाम से। अगर आपका नाक बंद है तो नाक काफ़ी हद तक फ्री हो जाएगा और जुकाम से आपको राहत मिलेगी। तो ये है चने का गुण, ये काफ़ी पुराने टाइम से चला आ रहा है ये, कि अगर आपको जुकाम सर्दी हो गया है तो चने से बनी चीज़ें खाइए या भुने हुए चने आप सूंघिए। आपको कुछ अजीब सा लग रहा होगा लेकिन आप इसे ट्राई करना और आप महसूस करेंगे कि सच में चना काफ़ी फायदेमंद चीज़ है, बड़े ही काम की चीज़ है। तो अब मैं इसे बहुत ज़्यादा नहीं गाढ़ा करूँगा क्योंकि हमें इसकी जो विस्कोसिटी है वो इतनी चाहिए। आप चाहे तो इसे और गाढ़ा कर लें अपनी पसंद के अनुसार, मैं इससे ज़्यादा और गाढ़ा नहीं करूँगा। अगर मैं इसे अभी बंद भी कर दूँ और जब ठंडा होगा ये तो काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। वैसे अगर आपको जुकाम है तो इसे अब गर्म गर्म ही खाएं, तो ये आपके लिए एक दवा का तो काम करेगी करेगी और आपके मुंह का टेस्ट भी बदल देगी और तो स्वाद का स्वाद और दवा का दवा। तो दोस्तों कमेंट्स में बताना हमें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कोई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची, कुछ नया सीखा आपने, तो कमेंट्स करके हमें बताना। आप फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना हमारे चैनल को, लाइक तो करना ही, दोस्तों के साथ शेयर करना, फॉरवर्ड करना। तो ये हो गया हमारा हलवा तैयार, हलवा खाने के लिए और हलवा एज अ मेडिसिन फॉर कोल्ड एंड कफ।